हाँ बेसिक में जैसे एक मधुबन लोगों को भाव करके बना सकता है, मगर सच्चा चीज को मतलब जो शुद्ध बन के बना दे सकता है। बेसिक वाले अपने कंट्रीब्यूट करके मधुबन बना लेते हैं, बना सकता है कंट्रीब्यूट करके, भीख मांग मांग के। भीख मांगने वाले भगवान के बच्चे होते हैं? कोई बोलते हैं वो भगवान के बच्चे नहीं है, लेकिन हमें सच्चे बाबा को जान गए हैं। क्योंकि हम बना नहीं पाते हैं, हम मधुबन बना नहीं पाते हैं। मधुबन नहीं बना पाते तो क्या हुआ, हम मधुबन के बच्चे तो बन सकते हैं, मधुसूदन के बच्चे नहीं बन सकते है? मधुबन जो बनाते हैं उन्होंने तो द्रव्य दान दिया, क्या दिया, ईंटों के महल का दान दिया, ज्ञान का दान दिया है। ज्ञान का दान महत्वपूर्ण है, जो भगवान ने दिया वो देना महत्वपूर्ण है, या दुनिया की जो चीज है वो देना महत्वपूर्ण है? गीता में भी लिखा है, गीता में ध्यानात् ज्ञानम विशिष्यते, द्रव्य ध्यानात् ज्ञानम विशिष्यते। ज्ञान का दान द्रव्य के दान से विशेष है। दूसरी बात, लक्ष्मी क्या देती है जो इतना उच्च पद पाती है? पहले नंबर में देवियों में पूजा होती है महागौरी, और महाकाली क्या करती है जो लास्ट में पूजा होती है? क्या करती है कौन? लक्ष्मी भगवान का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को देती है, और जो महाकाली है, जो जगदम्बा है, वो सब मनोकामनाएं दुनिया की पूर्ण करती है। तो दुनिया की मनोकामनाएं आदमी खुद कमा के पूरी नहीं कर सकता, खुद कमाई कमा के दुनिया भी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं कर सकता है, कर सकता है। बहुतों के माई बाप होते हैं वो ढेर सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं बच्चों की, तो दुनियावी कामनाएं पूर्ण करना बड़ी बात हो गई, या शिव ने जो दिया उसमें भरपूर करना बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? भगवान की दात बड़ी है, दुनियावी दात तो बहुत छोटी है। आज है कल, कल नहीं होगी। भगवान इस समय संगम में जो ज्ञान दान दे रहा है वो जितना जास्ती कोई लेगा तो सतयुग में भी काम आएगा, त्रेता में भी काम आएगा, द्वापर में भी काम आएगा, और कलयुग में भी काम आएगा। तो उसकी वैल्यू नहीं है। मधुबन बनाना है तुमको? अरे आप बोल रहे थे ना, अभी रो रहे थे, हम तो मधुबन नहीं बना पाया।